विद्वान अध्यापकगण तथा हमारे सामने बैठे हुए सभी अध्यापकगण तथा शोध छात्रों, सबसे पहले तो मैं अपने मंच पर साथ बैठे हुए जो अध्यापक हैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे और डॉक्टर सतराज आलम से, कि मेरी जो प्रशासनिक व्यस्तताएँ हैं उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता। 4:30 बजे मैंने किसी को और समय दिया हुआ था, और जो आज का शोध का विषय, इसमें दो वक्ता लोगों ने दो बहुत अलग अलग किस्म के व्याख्यान दिए। एक जो शुभ्रा ने व्याख्यान दिया मुझे बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि मैं शुभ्रा का प्रशंसक इस दृष्टि से हूँ कि ये जो बातें इन्होंने बताई ये खुद वहाँ जाकर के देखी हुई है। तो शोध का एक तरीका यह है कि जो दूसरे के द्वारा कही हुई बातें हैं उस पर विश्वास न करते हुए खुद जाकर के चीज़ों का तथ्यात्मक अध्ययन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शोध की जो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं वो शायद इसलिए हैं कि हम दूसरों की कही हुई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और मुझे इसको बंद ही कर दीजिए, मोबाइल कोई दिक्कत नहीं। मुझे जदु कृष्णमूर्ति की बातें याद आती हैं। जदु कृष्णमूर्ति यहाँ पर राजघाट में अक्सर आया करते थे। मैं जब यहाँ का छात्र था बीएससी में, तो कुछ इस प्रकार की रुचि थी कि जब भी जदु कृष्णमूर्ति वहाँ पर आते थे तो वो मैं जाता था वहाँ उनको सुनने, और ऐसा मंत्रमुग्ध करने वाला व्याख्यान उनका होता था। वो इसलिए कि शायद मेरे भीतर कहीं से वैज्ञानिकता के बीज थे, और जो जदु कृष्णमूर्ति बात करते थे वो वैज्ञानिकता से पूरी तरह से ओतप्रोत रहते थे। क्योंकि जदु कृष्णमूर्ति कहते थे कि किसी भी कही हुई बात पे विश्वास मत करो, किसी के पहले किए हुए विचार को, किसी के सच को, उस पर विश्वास मत करो, खुद आत्मदेवो भव, खुद अपने आप खुद खोजो, खुद एनालाइज करने का प्रयास करो। ये जो उनकी सोच थी वो विज्ञान का एसेंस है। हमारे पास जब कोई भी पेपर पब्लिश होता है या हमारे जर्नल से पब्लिश होता है तो हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उस पर 100% विश्वास कर लेना ये वैज्ञानिक का काम नहीं। वैज्ञानिक का काम यह है कि वो उसको क्रिटिकली, उसकी समालोचना करे, उसमें झांक करके देखने की कोशिश करे कि ये जो कंक्लूजन्स निकाले गए हैं वो कंक्लूजन्स किस आधार पर निकाले गए, वो सही है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों की विवेचना करना वैज्ञानिक का काम होता है। इसका एक उदाहरण दूंगा आपको, हमारे वैज्ञानिक साथियों को ने शायद उदाहरण सुना होगा कि एक वैज्ञानिक थे, वो रिसर्च कर रहे थे एक मेढक के ऊपर कि मेढक कैसे उछलता है। तो मेढक पकड़ करके लाए, उसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा और उसके बाद हाथ उठा करके कहा कि मेढक उछल, मेढक उछल गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो देखो मेरी बात समझ रहा है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है देखते हैं। तो एक चाकू लाए, उससे उन्होंने उसकी एक टांग काट दी और उसके बाद फिर हाथ रखा और कहा मेढक उछल, फिर वो उछल गया। थोड़ा मुश्किल से उछला लेकिन उछल गया। तो फिर उसको पकड़ के बैठाया, उन्होंने कहा अच्छा फिर देखते हैं आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने दूसरी भी टांग काट दी और उसके बाद हाथ रखने के बाद हाथ हटाया और उसके बाद कहे मेढक उछल, नहीं उछला। दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार चिल्लाते रह गए लेकिन मेढक नहीं उछला। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये समझ में आया कि टांग काटने से मेढक बहरा हो।
कंक्लूजन तो निकाला, एक शोधार्थी ने कंक्लूजन निकाला, लेकिन इस कंक्लूजन का आधार क्या था इसको देखना चाहिए। हमारे श्वेताशतरोपनिषद में 6 अंधे और एक हाथी का उदाहरण मिलता है। हम सबकी स्थिति अंधे की तरह ही है। अंधे इसलिए कि हर अंधे की एक लिमिटेशन है, जो बाह्य जगत है उसको परसीव करने की एक लिमिटेशन है, उसकी आंख नहीं है। कभी कभी हम अपनी चश्मा उतार लेंगे तो हमारी भी सीमा हो, हम सीमित हो गए, चश्मे के कारण हम नॉर्मल विजन रख रहे हैं। तो आंख सही होने के बावजूद भी हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते, एक सीमा तक देख पाते हैं। इसी प्रकार के जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इन सेंस ऑर्गन्स की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इन सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड कुछ नहीं है, ये नहीं कहा। तो जो 6 अंधे थे उन्होंने हाथी को अलग अलग तरफ से देख करके उसके बाद हाथी के स्वरूप की एक कल्पना करनी शुरू की, हाथी सूप की तरह से है, हाथी खंभे की तरह से है, और ऐसा करके मिला करके उन्होंने हाथी का एक स्वरूप बनाने का प्रयास किया। लेकिन वो स्वरूप भी ये 6 लोगों के परसेप्शन पर आधारित था। अब ये 6 लोगों का परसेप्शन जो है, इसको अगर संकेत की भाषा में देखें तो अगर हम मिलान करें कि हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उसको 6 आप मान लीजिए, तो ये जो 5 इंद्रियां हैं उसके साथ अगर माइंड को भी मान लें तो 6 इंद्रियां होंगी। तो इसके आधार पर जो एक इमेज बनी वो इमेज आपके सामने है, लेकिन ये क्या इमेज कंप्लीट है अपने आप? कोई भी सत्य पूर्ण नहीं होता। जो भी सत्य हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा निर्मित है वो सारा का सारा अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। अगर पूर्ण सत्य होता तो शोध की आगे आवश्यकता ही नहीं होती। हमारी चूंकि सीमाएं हैं, हर व्यक्ति किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से देखता है, तो आज का जो साहित्य है, आज का जो शोध है, उसमें कुछ नया आयाम जुड़ जाता है जिससे हम कहते हैं कि आज की स्थिति यह है। अगर विज्ञान में जाएं तो पहले जो माइक्रोस्कोप की खोज हुई, ये ल्यूवेनहॉक ने किया था, और ल्यूवेनहॉक जो थे वो एक कपड़े के व्यापारी थे, और कपड़े के ट्रेड में कपड़े की क्वालिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए इसको लेकर के उन्होंने खोजा कि एक जो लेंस होता है उससे देखते थे कि उसमें धागे कैसे दिखाई दे रहे हैं। वहां से माइक्रोस्कोप की शुरुआत हुई, और उसके बाद रॉबर्ट हुक, और इसके बाद कई सारे लोगों ने धीरे धीरे माइक्रोस्कोपी के एडवांसमेंट्स हुए। और जब माइक्रोस्कोपी के एडवांसमेंट्स हुए, पहला जो स्टेप था कि देखा कि भाई किसी भी जो जीवित व्यक्ति है, चाहे जीवित जीव जगत है, हर एक जीव जगत के अंदर एक छोटा सा कोशिका होती है, सेल कहा उन्होंने, सबसे पहले वो दिखाई दिया। दैट वाज सिचुएशन ऑफ गंगो, अच्छा मैंने देख लिया। वो न्यूटन महाराज जो है यूरेका वाली सिचुएशन है कि मैंने देखा कि कोशिकाओं से जीवन बना हुआ होता है। लेकिन बाद में जब माइक्रोस्कोपी का आविष्कार हुआ तो पता चला कि नहीं, तो कोशिकाओं के अंदर बहुत कुछ है, उसके अंदर एक नाभिक है, एक न्यूक्लियस है, तो कोशिका के अंदर क्या है वो पता चला। उसके बाद जब माइक्रोस्कोपी में फर्दर डेवलपमेंट्स हुए तो पता चला कि नहीं, ये जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, ये बनता बिगड़ता रहता है, और इसमें कुछ नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, नई संरचनाएं बनती हैं जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इन क्रोमोसोम्स को जब देखा गया तो साइटोजेनेटिक्स की नई डिसिप्लिन आई, और उसके बाद जब माइक्रोस्कोपी का और एडवांसमेंट हुआ तो धीरे धीरे करके डीएनए के बारे में बात आई, डीएनए को देख सकते। तो ये जो सत्य है ये हमेशा परिवर्तित होता रहा। कल का सत्य, आज का सत्य और आने वाले कल का सत्य, ये हमेशा भिन्न होगा। इस चीज को मान के चलना चाहिए, कोई भी चीज पूर्ण सत्य नहीं है, चाहे मैं कहूं चाहे कोई कहे। यही बात जदु कृष्णमूर्ति कहते थे कि आप खुद अपने आप को ये एक्सप्लोर करिए इस चीज को।
ये जो माइक्रोस्कोपी वाली कथा मैंने आपको बताई, जो स्टोरी बताई आपको, उसमें आज माइक्रोस्कोपी के एडवांसमेंट्स हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूं, आंख वो सारी चीजें नहीं देख सकती। आंख पर जो एडॉन्स जुड़े हैं, छोटा सा लेंस जुड़ा, जो कि अभी मैं इस्तेमाल करता हूं या हम बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद माइक्रोस्कोपी के जो एडवांसमेंट्स थे, ये हमारी आंखों के लिए एड ऑन थे जिसके द्वारा हमने ऑब्जर्व किया। लेकिन आज जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास है तो हम बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन हम सब देख रहे हैं ये हम नहीं कह सकते। जो ऐसा क्लेम करता है वो गलत क्लेम करता है, वो वैज्ञानिक नहीं है, उसकी दृष्टि वैज्ञानिक नहीं है। ये जो डीएनए की बात मैंने कही, ये एक प्रश्न जो डीएनए निकल के आया, 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर। लेकिन इसकी खोज शुरू कहां से हुई? एक मौलिक प्रश्न जो हम सभी आज भी पूछते हैं और ये अनादिकाल से पूछते चले आ रहे हैं कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, जीवन क्या है। ये प्रश्न फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट एर्विन श्रोडिंगर ने पूछा। दो 1930 और 1940 में उन्होंने किताब लिखी व्हाट इज लाइफ, और इस किताब को पढ़ने के बाद वॉटसन क्रिक और इसके अलावा और कई लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा और जानने की कोशिश की कि जीवन क्या है, और उस जीवन को जानने के प्रयास में वो कहाँ आ गए, एक केमिकल पर आ गए और उन्होंने कहा यही जीवन है। उन्होंने जब एर्विन श्रोडिंगर की किताब का एपिलॉग आप देखिए, उसका जो अंत है उसमें उन्होंने वेदों की चर्चा की हुई, उन्होंने आत्मन परमात्मन और माया की चर्चा की हुई है अरविंद श्रोडिंगर ने 1940 में प्रकाशित पुस्तक, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आज कम से कम आधा दर्जन नोबेल प्राइज मिल चुकी है। लेकिन लोग गलत दिशा में चले गए, गलत दिशा में चले गए कि वो जो केमिकल है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वही जीवन है। लेकिन क्या वो जीवन है, ये प्रश्न हम में से बहुत सारे वैज्ञानिक नहीं पूछते। हम ये मान के बैठ गए कि वही जीवन जीवन है, लेकिन जीवन का एक आधार का अंश डीएनए हो सकता है। लेकिन जीवन क्या है, इस पर अगर आप वेदांत की ओर जाएं तो उसमें आपको बहुत सिस्टमेटिक एनालिसिस मिलती है कि अगर हम ये प्रश्न पूछें कि मैं कौन हूं, ये शरीर मैं हूं क्या, अगर ये शरीर मैं हूं, मैं कहता हूं कि ये मेरा शरीर है, तो अगर ये शरीर मेरा है तो मैं कौन हूं? जो चीज मेरी है वो मैं तो नहीं हो सकता। ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है लेकिन हाथ मैं नहीं हूं, ये सिर मेरा है लेकिन मैं सिर नहीं हूं, हृदय मेरा है लेकिन मैं हृदय नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? इस प्रश्न का उत्तर वेदांत में लोगों ने खोजा है कि मैं जिस कारण से बोल रहा हूं, जिस कारण से आप सुन रहे हैं, वही आप हैं। इसके अलावा जो शरीर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक असेंबलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं, इसकी गहराई में जाएं, तभी आपको आत्मन परमात्मन के बारे में ज्ञान होगा। डॉक्टर करण सिंह यहां पर आते थे और वो इस चीज को कहा करते थे, हमारे जो कुलाधिपति थे वो कहते थे कि यहाँ का जो मूल वाक्य है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वो है विद्या ददाति विनयम, सॉरी विद्या अमृतम अश्रुते, विद्या अमृतम अश्रुते, मतलब विद्या वो जिससे अमृत तो प्राप्त हो। तो वो पूछा करते थे कि इस विश्वविद्यालय में ऐसी कौन सी विद्या पढ़ाई जाती है जिससे अमृत्व प्राप्त होता है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय है, जहां पर कि हम आत्मन परमात्मन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, शरीर की नश्वरता और आत्मा की अनंतता का हम अध्ययन करते हैं, वहीं पर हम अमृत्व की प्राप्ति करते हैं।
क्योंकि मालवीय जी ने विश्वविद्यालय में जो विश्वनाथ मंदिर है वहां पर उपनिषदों के बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक लगवाए। जब मैं वहां छात्र था वहां जाया करता था तो उसमें मंदिर के गर्भगृह के दो साइड में दो पत्थर लगे हुए जिनको मैं बहुत ध्यान से पढ़ता था कि जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन जिसके कारण देखा जाता है ये अन्य किसी को नहीं, ये बहुत बड़ा वाक्य। जिसके कारण हम जिसे हम सुन नहीं सकते लेकिन जिसके कारण हम सुनते हैं उसी को ईश्वर जानो अन्य किसी को नहीं। ये जो अदृश्य सत्ता है हमारे अंदर आप सबके अंदर इसकी गहराई पूर्वाग्रह मुक्त होनी चाहिए। एक बार मेरे पास कुछ वर्ष पहले हमारे काशी नरेश की तरफ से एक दूत आए जो कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि काशी नरेश चाहते हैं, उस वक्त विभूति नारायण सिंह जी काशी नरेश थे, हम लोग जब पीएचडी करते थे या स्टूडेंट थे, तो काशी नरेश चाहते हैं कि आप गोमूत्र की महत्ता पर रिसर्च करें। तो हमने कहा कर सकते हैं, गोमूत्र गोबर की महत्ता पर रिसर्च करिए, गाय का गोबर इतना महत्वपूर्ण इतना फायदेमंद क्यों होता है, स्वास्थ्यवर्धक क्यों होता है। तो मैंने कहा इसको मैं किया जा सकता है लेकिन इस पर रिसर्च करने के लिए मुझे भैंस के गोबर, कुत्ते के एक्सक्रीटा और बहुत सारे जानवर उनके एक्सक्रीटा को लेकर के, उनके यूरिन को लेकर के और उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ गोमूत्र में वो बातें हैं जो और सब में नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर हम गोमूत्र को ही लेकर के काम करें तो हम तुलना तो कर ही नहीं पाए। तो तुलना करने के लिए हमें बाकी और एनिमल्स के यूरिन हो या उसका एक्सक्रीटा हो उसको लेकर के उस पर काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई काशी नरेश चाहते हैं कि नहीं आप सिर्फ गोमूत्र और गोबर के ऊपर, गाय के गोबर के ऊपर काम करिए। तो मैंने कहा भाई कोई और विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आप किसी के दिमाग में गोबर ही भरा हो तो क्या करें। काशी नरेश आपका से क्षमा मांगता हूँ लेकिन ये मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर कंट्रोल्स रखने होते हैं। बिना कंट्रोल्स के, पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रोल्स, ये वैज्ञानिक जो विज्ञान में शोध होते हैं उसमें ये कंट्रोल्स बहुत आवश्यक होते हैं। और जो कंट्रोल्स में हमने तो देखा है यहाँ तक कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, वहां पर पूर्वाग्रह युक्त रिसर्च और बड़ा उसकी पब्लिसिटी की गई कि साहब बड़ी अच्छी रिसर्च है। तो अब उसमें दो तीन इस तरह के उदाहरण मैं दूंगा जिसमें कि मिथक बहुत सारे हैं और हमारी जो विश्वास बना हुआ है उस विश्वास को हम तोड़ने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन साइंटिस्ट का एक काम होता है, एक रिसर्चर का काम होता है कि जो भी मिथक है उसको हम ठीक से एनालाइज करें, पूर्वाग्रह मुक्त होकर के एनालाइज करें और उसके बाद उसको हम तोड़ने का काम करें। मैं हरिद्वार गया कुछ साल पहले, हरिद्वार में शांति कुंज हरिद्वार आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर वो भी बहुत सारे जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, हवन है, इसके सब के ऊपर बहुत शोध करते हैं। तो मैं उस वक्त लखनऊ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर मैं निदेशक था। तो वहां पर कुछ कोलाबोरेशन की बात थी, मैं गया, उन्होंने अपना यज्ञशाला और सारी चीजें दिखाई और उसके बाद उन्होंने बताया कि अगरबत्ती का वो महत्व बताने लगे। तो इस अगरबत्ती की जो प्रश्न है वो आज भी मेरे दिमाग में, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि अगरबत्ती का फायदा है कि नुकसान, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ तो अगरबत्ती एक कार्बन के मटीरियल से बनी हुई चीज होती है और उसमें इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। जब हम धुआं पैदा करते हैं तो उसमें से सूट निकलता है और ये जो सूट निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारी ब्रीदिंग के लिए हमारे ब्लड में जाकर के रेड ब्लड सेल्स को इनएक्टिवेट करती है। इस बात को आज तक मुझे कोई नहीं समझा पाया कि अगरबत्ती का धुआं करने से क्या फायदा है।
वो बहुत सारे हवन के धुएं के बारे में भी कहते हैं कि हवन का धुआं बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया को मारता होगा लेकिन हमें कितना मारता है इसका अध्ययन किसी ने किया है क्या? तो टॉक्सिसिटी किसी भी चीज की, किसी भी प्रक्रिया की अध्ययन करना ये बहुत आवश्यक है कि अगर बैक्टीरिया को मार दिया तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो विज्ञान यही पर आता है कि हमें हर चीज का पूर्वाग्रह मुक्त अध्ययन करना चाहिए। हमारी वैल्यूज का, हमारी कल्चर का पार्ट है, जरूर जरूर उसके पीछे कुछ लॉजिक होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक परंपरा कहीं पर डीरेल हुई और उसके बाद वही परंपरा बन गई बिना वैज्ञानिक कारण की वजह से। इन चीजों को हमें हर समय समय पर करेक्ट करते रहना पड़ेगा, वरना हम परंपराओं के बोझ को ढोते रहेंगे जबकि उसमें बहुत सारी कमियां होंगी। वैज्ञानिक का, शोधार्थी का यही अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो प्रोफेसर शुक्ल ने बात कही उस पर एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा, प्लेजरिज्म को लेकर के बात हुई तो मुझे मालूम नहीं कि ह्यूमैनिटीज में इसका क्या असर होता है, लेकिन कहाँ तक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन मैं जब अभी चार वर्ष पहले जब वहाँ लखनऊ में था तो CSIR के डायरेक्टर जनरल ने, महानिदेशक ने मुझे एक इंक्वायरी कमेटी का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बना दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई और उसका मैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी था, मुझे निर्णय लेना था कि सजा क्या होगी, क्राइम क्या था। हमारे देश के बहुत ही सम्मानित संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, वहां के एक वैज्ञानिक, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, उनके करस्पॉन्डिंग ऑथर के तौर पे करीब 7 पेपर ऐसे थे जिसमें फैब्रिकेटेड डेटा था जो कि इंक्वायरी कमेटी ने एस्टैब्लिश कर दिया। जो करस्पॉन्डिंग ऑथर थे उनका ये कहना था इंक्वायरी हमारी कमेटी के सामने कि साहब मैंने नहीं किया, ये पोस्ट डॉक विदेश से आया और उसने आकर के सारा गड़बड़ किया। लेकिन हमारा जो कंक्लूजन था कि एज ए करस्पॉन्डिंग ऑथर अगर किसी पेपर की सारी क्रेडिट आपको मिलती है तो डिसक्रेडिट भी आपको मिलनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी पेपर लिखा जा रहा है उस पेपर की ऑथेंटिसिटी क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है एज ए करस्पॉन्डिंग ऑथर। हमको लगता है कि पेपर की संख्या बढ़ाने से हमें बहुत सारे गेंस हो जाएंगे, लेकिन निर्णय क्या लेना पड़ा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने मुझे कहा कि सर आप 3 में से कोई एक निर्णय ले सकते हैं। पहला टर्मिनेशन विद पेंशन, दूसरा टर्मिनेशन विदाउट पेंशन बट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब समवेयर एल्स, और तीसरा सबसे कड़ा पनिशमेंट की टर्मिनेशन विदाउट पेंशन एंड विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब। मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था इस कारण ये जो महाशय थे करेस्पॉन्डिंग ऑथर इंटेक के जो साइंटिस्ट थे वो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही छात्र थे और हमारे समकक्ष थे। मैं हॉस्टल में साथ में रहा हुआ था तो उन्होंने कुछ बार मुझे संपर्क करने का प्रयास किया। मैंने कहा कि देखिए जब तक मैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हूं, जब तक मैंने अपना वर्डिक्ट दे नहीं दिया है तब तक मैं आपसे बात नहीं कर सकता, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। और बाद में मुझे वो निर्णय लेना पड़ा जो कि कोई भी व्यक्ति लेने से हिचकेगा, उनको टर्मिनेट होना पड़ा खाली एक इस कारण कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की, जरा सी लालच की कि शायद हमारी पेपर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो हमें प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा, लेकिन या कुछ ख्याति बढ़ जाएगी। लेकिन इस बात से मैं मैसेज आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि कृपा करके हमेशा जो जिज्ञासा पर आधारित आपका शोध है उसी पर जोर दें। जो बात प्रोफेसर शुक्ला ने कही कि अपनापन उसमें क्या है, नयापन क्या है आपका, इसको आप लाने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरों ने क्या किया है
वो उसकी आवश्यकता सिर्फ यहीं तक है कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे इमेजिनेशन को, हमारे क्रिएटिविटी को वो झकझोरे और उसमें हमारे कुछ नए विचार निकल के आए और उन विचारों को हम लिखें, अपनी भाषा में लिखें। तो वो तो आपका अपना हुआ, लेकिन अगर आपने जगह जगह से डेटा इकट्ठा करके, जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि कैसे नोट्स बनाए क्या है, अगर उसको आपने वर्बेटिम उसको कंपाइल कर दिया तो उसमें कोई नयापन नहीं है। जब तक कि आपने जो आपका तड़का है, आपका मसाला है, उसमें नहीं डाला, आपका इमेजिनेशन, आपकी सृजनात्मकता उसमें नहीं डाली, तो वो प्रकाशन आपका कोई पढ़ेगा नहीं। कहीं पर एक कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है वो तो ठीक है, लेकिन जहां पर भी साइटेशन देना होगा तो साइटेशन जिसने ओरिजिनल थॉट दिया है हमेशा उसका देगा। आपने कंपाइल किया है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है। जब आप कही गई कि आज हमारे विश्वविद्यालय को आवश्यकता है कि ऐसे पेपर लिखे जाएं, ऐसे पेपर प्रकाशित हो जिनका साइटेशन हो, इम्पैक्ट फैक्टर की बात मैं नहीं करता। कबीर का इम्पैक्ट फैक्टर अगर आप निकालने लगिए, तुलसी का इम्पैक्ट फैक्टर निकालने लगिए, तो पता नहीं कहां जाएगा, पता नहीं कितने लोग कोट करते हैं, प्रकाशित अप्रकाशित, लोग रोज घर में कबीर की बात, वो जो दोहे हैं उसको पढ़ते हैं, तुलसी के दोहे पढ़ते हैं, लिखे नहीं जाते, उसका साइटेशन नहीं होता। जो साइटेशन जो बोला गया वही साइटेशन है अपने आप में। तो ये जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं साइटेशन के, ये बड़े स्क्यूड हैं, वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। लेकिन सृजन ऐसा करिए जिसका महत्व लोगों के पास, 10 लोग ही महत्व दें लेकिन वो महत्व दें। ऐसा ना हो कि थीसिस एक बार सेंट्रल ऑफिस में लाइब्रेरी में जमा हुई तो दूसरे ने नकल करने के लिए निकाली और बाद में ये रख के कर दी कि भाई ये तो सब पहले का नकल किया नकल की नकल तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। देखिए ऐसा है कि आज जो भी ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान, या यूं कहें कि अधिकतर ज्ञान जो है, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एकत्रित किया हुआ है, हम लोगों ने उसे नए रूप में कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया है, लेकिन वो ज्ञान कहीं ना कहीं कुछ नया प्रस्फुटित करने का प्रयास करता है। जैसा कि न्यूटन के दिमाग में हुआ, न्यूटन के पहले भी बहुत सारे लोग हुए, लेकिन न्यूटन ने प्रश्न पूछा कि भाई ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये उल्टा प्रश्न करना चाहिए कि ये ना हो तो क्या होगा। जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, अलग सिर्फ विश्वास करते चले आएंगे, तो हम शोध नहीं करेंगे, हम विज्ञान नहीं रचेंगे, हम एक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे, वो निर्जीव होती चली जाएगी क्योंकि उसमें कोई प्रश्न का समावेश नहीं है। और हमारी इतनी समृद्ध परंपरा है हमारे देश की कि उसमें प्रश्न ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न जब मौलिक होगा तो उत्तर भी मौलिक निकल करके आएगा, इसलिए प्रश्न पूछना आवश्यक है। और प्रश्न तभी आप पूछेंगे जब आप पूर्वाग्रह मुक्त होंगे। और बहुत सी बातें हैं जो कि कही जा सकती हैं, लेकिन मैं और यहाँ पे जैसे आयुर्वेद के भी छात्र हैं और म्यूजिक के भी छात्र हैं, कुछ बातें मैंने नोट की थी, लेकिन आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज़ें विश्वास पर चलती हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है तो इसका ये फायदा होना ही चाहिए, हम उन ग्रंथों को प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन जब तक प्रश्न नहीं करेंगे, समय परिवर्तनशील है, हर चीज़ परिवर्तनशील है, तो ज्ञान को भी परिवर्तनशील होना चाहिए, ज्ञान को भी बदलना चाहिए। और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आज के जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर पर क्या चीज़ें सही साबित होती हैं। आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयाँ हैं लेकिन आज तक किसी का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ या बहुत कम का क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। आयुर्वेद की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता इसी बात पर निर्भर करती है कि जो आज के तरीके हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के तरीके हैं, उन क्लिनिकल ट्रायल्स पर हम उसको प्रूव करके दिखाएं, चाहे वो हमारी आयुष की कोई भी पद्धति हो, आयुर्वेद हो, आयुष हो, ये यूनानी हो और होम्योपैथी हो, इनमें सब में क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक तरह के कारण आप उत्पन्न करिए तो उसका प्रभाव एक जैसा होना चाहिए, यही रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। ये कार्य कारण संबंध हमारे वेदों में बहुत पहले से कहा गया है, इसी को रॉबर्ट कॉक ने कॉक्स पोस्टुलेट जैसा बना दिया
जो कि बहुत फेमस हो गया, लेकिन हमारे वेदों में पहले से हमारे ज्ञान में, परंपरागत ज्ञान में रहा है। तो कार्य कारण संबंध को स्थापित करना ये बहुत आवश्यक है। तो ये जब आयुर्वेद की दवाएं हैं, कहते हैं ये दवा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जब तक हम 100, 200, 500, 1000 मरीजों पर एक तरह का वो करके ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे, तब तक उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता नहीं होगी। इसलिए डेटा सेट बड़ा होना चाहिए। एक व्यक्ति बिहार का आया और उसने जो है कोई गलत बात बोल दी या गलत व्यवहार कर दिया, तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि सारे बिहारी वैसे ही होते हैं, ये गलत बात। हमारा डेटा सेट बड़ा होना चाहिए। उसी बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान विद्वान और चरित्रवान हुए हैं, तो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए। तो कुछ लोग बहुत जल्दी में रहते हैं कंक्लूजन निकालने के लिए। हमारा डेटा सेट बड़ा होना चाहिए, हमारे कंट्रोल्स साउंड होने चाहिए। तो इस तरीके से विज्ञान की पद्धतियों में एक नियम है, क्योंकि छोटे से समय में नहीं उसको डिस्कस किया जा सकता, ऑब्जर्वेशंस है। नेचर में आप जाइए, जितना भी आप नेचर में जाएंगे आपको नई चीज़ें मिलेंगी। हमारी जितनी भी साइंस है इसको नेचुरल साइंस कहते हैं। नेचर को समझने का प्रयास करना, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या समाज हो, समाज भी नेचर का पार्ट है। तो ये नेचर को आप जितना समझने का प्रयास करेंगे, लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे, तो सही निर्णय पर पहुँचेंगे और पुरागत के साथ रहेंगे। तो ये वैज्ञानिक विधियाँ जो हैं उसका इस्तेमाल करना आवश्यक है। और इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि आज की जो परिचर्चा है, शोध प्रविधि, चुनौतियाँ और संभावनाएँ, इसमें मेरे ख्याल से चुनौतियों का आकलन अगर हम कर लें तो संभावनाएँ अपने आप बनती चली जाएँ। लेकिन चुनौतियों का एक ईमानदारी पूर्वक आकलन करना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से आज का जो आयोजन है उसके लिए मैं प्रोफेसर शुक्ल को और सभी आयोजकों को और बोधप्रिय अध्ययन केंद्र को बहुत बधाई देता हूँ। मेरा एक ये सोच में परिवर्तन आया है कि मुझे लगता था कि भोजपुरी अध्ययन केंद्र में सिर्फ भोजपुरी से संबंधित कार्य ही होता होगा, लेकिन इस प्रकार के भी कार्यकलाप होते हैं, इससे मेरा एक दृष्टिकोण बदला है। मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर के विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता के लिए प्रयास करेंगे। और ये प्रयास तभी संभव है जब इस विषय पर हम गहराई के साथ सोचेंगे और ऐसा कार्य करें जिसका साइटेशन हो, साइटेशन वर्बल नहीं, रिटन साइटेशन भी हो। हमारा शोध और 50 लोग करें, इंटरनेशनल जर्नलों में ना भी हो, हिंदी में प्रकाशित हो, भोजपुरी में प्रकाशित हो, लेकिन उसका उद्धरण देने वाले कई और लोग हों, तब उसको कहते हैं कि साइटेशंस। ऐसा काम होना चाहिए। धन्यवाद।